चाहे मेन्स हो या प्रिलिम्स सिनोनिम्स एंटोनिम्स ऑपोजिट मीनिंग सिमिलर मीनिंग ये सब हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे 2017 में आया हुआ एजी एस ग्रेड थ्री का 2017 में आया हुआ ऑपोजिट मीनिंग मेन्स पेपर से इस वीडियो लेक्चर में हम ऑपोजिट मीनिंग का वर्ड देखेंगे दस इंपॉर्टेंट वर्ड को एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सिमिलर मीनिंग टेन फ्रॉम द सेम पेपर टू थाउजेंड सेवेंटीन में आया हुआ तो ये हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का पार्ट रहेगा एंड दिस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे ऑपोजिट मीनिंग को so, this video lecture is really very important. तो सो दिस वीडियो लेक्चर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम दस ऑपोजिट मीनिंग का वर्ड देखेंगे जो सबसे पहला वर्ड डेट इज़ फेमस फेमस का जो ऑपोजिट मीनिंग होगा डैट इज़ अ फ्रीडम जो फ्रीडम का ऑपोजिट वर्ड मीनिंग जो लगेगा आपका वो हो गया कैप्टिविटी नंबर थ्री इज हॉरिजेंटल हॉरीजेंटल का जो ऑपोजिट होगा दैट इज़ वर्टिकल तो हॉरीजेंटल का जो मतलब होता है अगर कुछ एक लाइन लेते हैं एग्जाम्पल दिस इज द हॉर्जेंटल लाइन दिस वन इज़ वर्टिकल लाइन एंड समथिंग लाइक अगर कुछ ऐसे है तो डैट इज डायगोनल लाइन तो जो नेक्स्ट वर्ड है ये हो गया लीडर वर्ड नंबर फोर इज लीडर लीडर का जो ऑपोजिट मीनिंग होता है जो ऑपोजिट वर्ड होता है दैट इज़ फॉलोवर नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक का जो ऑपोजिट वर्ड होता है डेट इज़ राइट तो ये रहा पांच अभी आगे और पांच देखते हैं सो द वर्ड नंबर सिक्स इज वेट डब्ल्यू टी वेट इसका जो ऑपोजिट होता है डेट इज ड्राई नेक्स्ट नंबर सेवन इज स्टर्न स्टबर्न का मतलब क्या होता है कुछ बहुत ही जिद्दी टाइप में राइट तो स्टबन का जो ऑपोजिट होता है दैट इज फ्रेंडली देखिए स्टाबन का जो एग्जाम्पल देखते हैं थिंग्स डेट आर स्टबन आर डिफिकल्ट टू तो मूव चेंज और डील विथ वर्ड नंबर एट देखते हैं लैंड एली एंड डी लैंड का जो ऑपोजिट होता है दैट इज बोडो इंक्रीज नंबर नाइन इंक्रीज का जो ऑपोजिट निकल के आता है दैट इज डिक्रीज एंड नंबर टेन इज रिच डेट इसका जो ऑपोजिट मीनिंग आएगा दैट इज ड तो सो दीज आर द वर्ड्स ये इजी रहता है मेंस में लगभग इजी टाइप का ही रहता है बट प्रम्स में बहुत ही टफ लैंग्वेज का बहुत ही टफ वर्ड्स रहता है तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 2017 में आया हुआ दस सिमिलर मीनिंग्स को देखेंगे सिमिलर मीनिंग्स एंड दे वर्ड्स को हम लोग देखेंगे तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग